राइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का। अब हर फोन से करें पे, डिजिटल भारत का डिजिटल साथी क्विक पे। रिटेलर भाइयों के लिए कमाने का सुनहरा मौका, क्विक पे से पेमेंट एक्सेप्ट करें और पाएं ढेरों उपहार। रणविजय विजय रॉय उर्फ मनोज रॉय अध्यक्ष निर्वाचित और मंत्री पद पर मिठाई लाल निर्वाचित, बाकी सभी पदों पर निर्विरोध पदाधिकारी घोषित। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर छोटेलाल यादव, उपाध्यक्ष विनोद कुमार चौहान, कोषाध्यक्ष मोहम्मद आजम, सहमंत्री पद पर तीन लोग रन्नू राम, अनिल प्रजापति और विनोद यादव को निर्वाचित घोषित किया गया। आज सुबह 10 बजे से चुनाव शुरू हुआ और 2 बजे 79 वोट पड़े। उसके बाद 3 बजे से मतगणना शुरू हुई। अध्यक्ष पद पर रणविजय राय को 40 मत प्राप्त हुआ और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राम आश्रय चतुर्वेदी को 32 मत प्राप्त हुए। इसके अलावा राम सिंह को 5 मत, मंत्री पद पर मिठाईलाल को 48 मत और उनके प्रतिद्वंदी रामचेत यादव को 29 मत मिले। जीत के बाद अध्यक्ष रणविजय रॉय ने बताया कि हमने तीसरी बार अध्यक्ष हुए हैं, हमने हमेशा अधिवक्ता हित में काम किया है, जिसकी वजह से तीसरी बार हमारी जीत हुई है। आजमगढ़ से ब्यूरो अबूजर आजमी की रिपोर्ट। सभी मतदाताओं का जो अधिवक्ता है उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी अधिवक्ताओं के दिमाग में अपने विकास की चिंता थी, विकास के लिए मुझे उन्होंने विश्वास जता के जिताया है और मैं भविष्य में यहाँ विकास की गंगा बहाऊंगा। जो हाल आप देख रहे हैं वो मैंने बनवाया था, मैंने किताबें लाई थी, ये हाल भी बनवाने जा रहा हूँ और किताबें जितनी हैं उसकी तीन गुना किताब मैं लाने। सभी अधिवक्ताओं का सम्मान मेरे दिल में दिमाग में रहेगा। दूसरा, कोई अधिकारी मेरे अधिवक्ता पर अगर कोई कार्रवाई करेगा या कोई भी निरंकुशता की कार्रवाई करेगा तो मैं उसको यहाँ से किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसको यहाँ से जाना पड़ेगा और सस्पेंड उनको होना पड़ेगा, ट्रांसफर उनको होना पड़ेगा। आप सही बार जीते हैं तो इस बार आपकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा रहेगी? सबसे ज्यादा प्राथमिकता मेरी है अधिवक्ता और बंधुओं का सम्मान। दूसरा मेरा है कि सबसे ज्यादा इस यहाँ लाइब्रेरी किताबें इस तरह की हों कि हमारे अधिवक्ता पढ़ लिख कर जब डायस पर बहस करने जाएं तो लगे कि हमारे अधिवक्ता पढ़ लिख के बहस कर रहे हैं, कहीं किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, इसके लिए मैं सतत प्रयास करूंगा। दूसरा, इनके बैठने के लिए और उठने के लिए इतनी व्यवस्था करूंगा कि कहीं भी पूरे प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था तहसील निजामाबाद इतना कहीं नहीं रहेगी। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।